तो मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के हाल के बाद अब आपको स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल देखकर सरकार खबरदार हो जाए, क्योंकि जहां जबलपुर के जिला अस्पताल यानी सरकारी अस्पताल की आपको हालत दिखाएंगे तो आपको हंसी आएगी और शर्म भी आएगी और लगेगा कि क्या गरीब आदमी जहां इलाज कराता है उसका ये हाल कर रखा है। जबलपुर के जिला चिकित्सालय में अगर आपको जाना है और आपका मरीज कहीं आईसीयू वार्ड में भर्ती होता है तो आपको अपना पंखा लेकर खुद ही जाना होगा, इसलिए क्योंकि जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में करीब 3 महीने से सेंट्रलाइज एसी खराब है। यहां लगे पंखे भी मरीजों को गर्मी से राहत ही नहीं दे पा रहे, जिसके कारण अब परिजन खुद ही पंखों की व्यवस्था कर रहे हैं। आईसीयू वार्ड में भर्ती मरीजों के परिजनों ने बताया कि वो अपने घरों से पंखे और कूलर लेकर आ रहे हैं ताकि मरीज गर्मी से परेशान ना हो। यहाँ पर पंखे वगैरह की एसी बंद है और लगभग हम ये सेकंड ऑपरेशन करवाए हैं। फरवरी में भी आए थे 8-9 महीने पहले, तब भी पूरे एसी बंद थे। यहाँ सबको परेशानी हो रही, सब अपने अपने पंखे लेके आए हैं। कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि जिनकी परिस्थिति ठीक नहीं रहती तो वो बिना पंखे के हैं। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ये केवल नाम का है आईसीयू, बाकी यहाँ किसी को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। वहाँ पर जो मरीज एडमिट है वे अपने घर से टेबल फैन लेके आ रहे हैं, छोटे कूलर लेके आ रहे हैं, और जब हम लोग वहाँ आईसीयू में गए तो 5 मिनट भी हम लोग नहीं रह पाए, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नामात्र का था। वहाँ पर ना प्रॉपर वेंटिलेशन था, ना वहाँ पर जो मरीज थे वो ढंग से सांस ले पा रहे थे। जब हम लोगों ने CMHO से बात करी तो CMHO साहब ने बोला सिविल सर्जन जी का मैं नंबर देता हूँ और मैं भी पहुँचता हूँ। सिविल सर्जन साहब से जब हम लोगों ने बात करी तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने बोला यहाँ की बदहाली को देखते हुए मैंने इस्तीफा दे दिया। स्वाभाविक सी बात है, सरकारी कर्मचारी एकदम से ना इस्तीफा देता है ना एकदम से इस्तीफा स्वीकार होता है। CMHO साहब जब यहाँ पर पहुँचे तो हम लोगों ने बताया कि सिविल सर्जन साहब से हम लोगों की ये बात हुई है। हम लोगों ने उनसे आग्रह करा कि शीघ्र आप तत्काल कलेक्टर महोदय से बात करें, नहीं तो कांग्रेस के समस्त साथी रात भर यहाँ रहेंगे। जब तक इन मरीजों को प्रॉपर आप ICU की जो पैरामीटर्स होते हैं उस हिसाब से या तो आप मेडिकल में इन लोगों को शिफ्ट करें या तो प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करें, नहीं तो जब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। हमारा जो सर्जिकल ICU है इसका जो सेंट्रलाइज्ड AC यूनिट है वो तकनीकी कारणों से बंद है, और उसके लिए अभी हम लोगों ने अस्पताल की तरफ से दो टन के AC लगा दिए थे, लेकिन निश्चित रूप से हॉल बड़ा है तो वातावरण भी गर्म हो गया है। और यहाँ कुछ जनप्रतिनिधि किसी मरीज को देखने आए थे तो उन्होंने यहाँ की स्थिति को देखा तो उन्हें थोड़ा व्यवस्थित सा लगा, और जैसे ही उन्होंने हम लोगों से बात की तो मैं स्वयं अस्पताल के RMO दोनों RMO हमारे जो हैं